स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डी आई एम टी यूट्यूब चैनल। आपके इस काल के लेक्चर में आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द अबव कॉपी प्रोग्राम आर पॉसिबल। फर्स्ट नोटिस दैट देयर इज नो नीड टू मूव द इनपुट कार्ड फ्रॉम कार्ड टू लाइन, वी कैन आउटपुट डायरेक्टली फ्रॉम आवर इनपुट बफर। सेकेंड, द ईओएफ एंड ऑफ फाइल कॉन्स्टेंट इज यूज टू कंपेयर against the first word of the input record, which requires loading one of them into the A register or the X register. In the above, we chose to load the first word of the input. If we load EOF instead, it need never be reloaded, since the A register is not used for anything else. Third, notice that the above card reader to line printer copy program will work equally well for a card reader to card punch copy program. If we simply change the unit numbers, in fact, the unit numbers are only an artifact of the standard unit numbers assigned by the factory. They may be changed for another mixed computer system. For these reasons, it is better to use symbolic constants for unit numbers rather than numeric unit numbers. With these modifications, we can rewrite copy as a slightly more complicated program will also be given as line numbers for each line to give us a count of the number of cards read, noticing that each input record is 80 characters while output is 120. अगर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है तो वो हमें लाइन नंबर्स देगा हर लाइन के लिए, जिससे हम मिलेगा नंबर ऑफ कार्ड्स रेड का काउंट। अगर हम नोटिस करते हैं तो हर इनपुट रिकॉर्ड 80 कैरेक्टर्स का होता है, आउटपुट 120 का होता है और 40 कॉलम्स स्पेसिंग और लाइन नंबर्स के होते हैं यूज करने के लिए। अज्यूमिंग दैट नो मोर देन 99,999,999 कार्ड्स will be listed, we only need a 5 character line number, thus we can format our output line as, अगर हम ये assume कर रहे हैं कि 99,999 cards से ज्यादा कोई card system नहीं है तो हमें 5 character का line number चाहिए होगा, और इसीलिए हम format करेंगे अपने output line को इस तरह से। columns में आएंगे 1 to 5 blank, 6 to 10 line number, 11 to 15 blank, 16 to 95 input card image. This format has been chosen to be both convenient to program and pleasing to look at. इस format को इसलिए choose किया गया है जिससे programming में convenient रहे और देखने में अच्छा रहे। For this program, we must introduce a counter and instructions to convert. इस program के लिए हमें एक counter और instructions चाहिए जो convert करेगा counter को binary से कैरेक्टर कोड में आउटपुट के लिए। वी कैन स्टिल रीड आवर कार्ड डायरेक्टली इनटू द लोकेशंस यूज्ड फॉर द आउटपुट बफर। हम डायरेक्टली लोकेशंस में से रीड कर सकते हैं आउटपुट बफर के लिए, और मोस्ट ऑफ द अबव प्रोग्राम यूज सेम, बाकी का प्रोग्राम सेम रहेगा। सी आर ई क्यू यू 16 इनपुट डिवाइस नंबर, आई एल पी ई क्यू 18 आउटपुट बफर ओरिजिन एसिड प्लस 24 इनपुट आउटपुट बफर काउंट कॉम जीरो काउंट ऑफ लाइन्स ब्लैंक ऑरेंज प्लस 24। इन दिस प्रोग्राम वी हैव डन सेवरल थिंग्स डिफरेंटली। इन एडिशन टू नंबरिंग द कार्ड्स वी हैव एडेड स्पेशल कोड टू प्रिंट द नंबर ऑफ कार्ड्स रेड। इस प्रोग्राम ने हमने बहुत सारी चीजें बहुत अलग तरीके से की है। हमने नंबर ऑफ कार्ड्स को ऐड किए हैं, नंबरिंग ऐड किए कार्ड्स की, उसके अलावा हमने एक स्पेशल कोड ऐड किया है जो प्रिंट करेगा नंबर ऑफ कार्ड्स रेड। एक्सक्लूड कर सकते हैं हम एंड ऑफ फाइल कार्ड को आफ्टर द लिस्टिंग सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय वन ब्लैंक लाइन। आप लिस्टिंग के बाद में हम इसे सेपरेट कर सकते हैं एक ब्लैंक लाइन से। नोटिस दैट वी आर आउटपुटिंग फ्रॉम थ्री डिफरेंट आउटपुट बफर्स। ये नोटिस करने की चीज है कि हम आउटपुटिंग कर रहे हैं तीन डिफरेंट आउटपुट बफर्स से, और एक जे बस है जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आउट ब्लैंक आउट के बाद ब्लैंक, सिंस द आउट ईओएफ लाइन विल बी ऑटोमेटिकली वेट फॉर इट टू फिनिश। Some local optimization can be done. The last char sequence is unnecessary since the character code for count is still in the X register from the previous output. The char destroys
both the A and X registers, which prevents keeping the EOF marker in a register for comparison. And since the index registers can only count to 4095, they cannot be used to store the counter. Overlap input output theorem. Local optimizations can only decrease the time to execute by microseconds or milliseconds. However, अगर हम थोड़ी थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में तो सिर्फ टाइमिंग में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, वो जो डिक्रीज होता है टाइम वो कुछ माइक्रोसेकेंड्स या मिलीसेकेंड्स में होता है. एन एंटायरली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज नीडेड टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव स्पीड इन अ प्रोग्राम सच एज अबव कॉपी रूटीन्स. अगर हम चाहते हैं कि हमारी टाइमिंग इफेक्टिवली डिक्रीज हो, कोई ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम बनाए कि हमारा इफेक्टिवली स्पीड अप हो जाए प्रोग्राम, उसके लिए हमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, जैसे कि एक कॉपी रूटीन हो गया. कंसिडर आवर सेकेंड एंड शॉर्टेस्ट कॉपी प्रोग्राम. द लूप विच कॉपी कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ इन जे बस आउट सी एन पी ए जे एन ए. अब हम अपना सेकेंड कॉपी प्रोग्राम कंसिडर कर रहे हैं, वो लूप जो कॉपी करेगा कार्ड्स को उसमें था इन जे बस आउटपुट सी एन पी ए जे एन ए. दस द एग्जीक्यूशन टाइम फॉर दिस प्रोग्राम इज द नंबर ऑफ कार्ड टाइम्स 5 यूनिट्स ऑफ फॉर द इन आउट सी एन पी ए जे एन ए प्लस हाफ एवर मेनी टाइम्स जे बस इज आर एग्जीक्यूटेड. अब इसीलिए जो एग्जीक्यूशन टाइम था इस प्रोग्राम का वो है जितने ही नंबर ऑफ कार्ड टाइम्स है, मतलब 5 यूनिट्स हो गई इनके लिए, आउट के लिए, सी एन पी के लिए, जे एन ए प्लस के लिए. हाउ एवर जितनी भी बार जे बसेस एग्जीक्यूट की जाएगी, द टाइम टू एग्जीक्यूट द जे बसेस इज एसेंशियली द टाइम टू रीड अ कार्ड एंड प्रिंट द लाइन. जो भी टाइम हमें जे बस को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होगा वो वही टाइम है जो हमें कार्ड को रीड करने के लिए चाहिए होगा या प्रिंट करने के लिए लाइन को. इफ वी अज्यूम दैट वी हैव अ फास्ट कार्ड रीडर वी कैन रीड 1000 कार्ड्स पर मिनट. अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा फास्ट कार्ड रीडर है तो हम 1000 कार्ड्स पर मिनट रीड कर सकते हैं या 1 कार्ड एवरी 60 मिलीसेकंड्स को रीड कर सकते हैं. इफ अ मिक्स टाइम यूनिट इज 1 माइक्रोसेकंड देन इट टेक्स 60,000 टाइम यूनिट्स टू रीड अ कार्ड. अगर मिक्स टाइम यूनिट 1 माइक्रोसेकंड की है तो ये 60,000 टाइम यूनिट्स को यूज करेगा कार्ड को रीड करने के लिए. अ स्लोअर कार्ड रीडर लाइक 300 कार्ड्स पर मिनट विल टेक लॉन्गर. कोई छोटा कार्ड रीडर होगा स्लोअर वाला कार्ड जो जिसकी स्पीड स्लो है कंसिडरेबली, वो 300 कार्ड्स पर मिनट लेगा, जैसे कोई वो ज्यादा टाइम लेगा, जैसे कि 200,000 मिक्स टाइम यूनिट्स ले सकता है. लाइन प्रिंटर टाइम्स आर कंपेरेबल. लाइन प्रिंटर की जो टाइमिंग होती है वो हम कंपेरेबल होती है हमारे लिए. दिस इज टू एम्फोसाइज दैट मैकेनिकल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आर एक्सट्रीमली स्लो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग स्पीड. इससे हम ये पता चलता है कि मैकेनिकल जो इनपुट आउटपुट होता है वो ऑपरेशन एक्सट्रीमली स्लो होते हैं बजाय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग स्पीड्स के. प्रोग्राम सच एज द अबव कॉपी प्रोग्राम्स विल स्पेंड ओनली अ वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर टाइम. वो प्रोग्राम जैसे ये ऊपर वाला कॉपी प्रोग्राम था, ये स्पेंड करेगा सिर्फ छोटा फ्रैक्शन अपने टाइम का कंप्यूटेशन करने के लिए. वैसे तो टाइम जो है वो स्पेंड करेगा वेटिंग के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की. दीज प्रोग्राम्स आर नोन एज इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम्स. इन प्रोग्राम्स को हम इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोग्राम्स कहते हैं. मेनी डेटा प्रोसेसिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर इनपुट आउटपुट बाउंड. बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग और बिजनेस एप्लीकेशन है जो इनपुट आउटपुट बाउंड है. मेनी साइंटिफिक प्रोग्राम्स ऑन द अदर हैंड मे इनपुट एंड आउटपुट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोग्राम्स है जो इनपुट और आउटपुट को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा देते हैं पर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम कंप्यूटिंग में स्पेंड करते हैं. इन प्रोग्राम्स को हम कंप्यूट बाउंड या सीपीयू बाउंड भी कहते हैं. ये वो प्रोग्राम्स भी है जो ना तो इनपुट आउटपुट बाउंड है ना ही सीपीयू बाउंड है, बट सो फ्यू दैट देयर इज नॉट इवन अ स्पेशल नेम फॉर दिस काइंड. ये प्रोग्राम्स इतने कम है कि इनके लिए कोई स्पेशल नेम भी नहीं है. नाउ the code is a little shorter since
an index register swap is somewhat easier than a memory to memory swap and somewhat faster since indexing is faster than indirection, but it ties up more registers leaving them unavailable for other uses. ये जो कोड हमने अभी देखा वो कंपैरेटिवली छोटा था क्योंकि इंडेक्स रजिस्टर को स्वैप करना ज्यादा इजी है बजाय मेमोरी की मेमोरी स्वैप करना, और ये प्रोसेस फास्टर भी है क्योंकि इंडेक्सिंग फास्टर होती है इनडायरेक्शन से, पर ये रजिस्टर को ज्यादा टाइप कर देती है और उन्हें अनअवेलेबल छोड़ देती है दूसरे यूजर्स के लिए. द कॉपी प्रोग्राम वी हैव बीन स्टडीड इज अ वेरी स्पेशल केस डेमोंस्ट्रेटिंग द इनपुट आउटपुट ओवरलैप. मोर जनरली सम कंप्यूटेशन विल नीड टू बी डन ऑन द इनपुट बिफोर इट कैन बी यूज्ड एज आउटपुट. Thus, in addition to trying to do input and output simultaneously, we will also try to do computing all at the same time. Copy program जो हम पढ़ रहे हैं अब तक वो एक special case था input output overlap का. हालांकि generally computation की जरूरत पड़ती है input पे करने के लिए इससे पहले कि वो output के लिए use हो सके, इसीलिए साथ ही नहीं हम input output को simultaneously add करें, हम try करेंगे कि हम computing करें एक ही time पे. If we consider time involved, अगर हम उस time को जो time involved हो रहा है उसे consider कर रहे हैं, तो I time है जो input, C time है computing का, O time है output का. अगर हम कोई card input कर रहे हैं उसे compute करना चाहते हैं, तो जो output card देगा जाने से पहले read करने के लिए वो total execution time होगा, और वो इस तरह के order का होगा I plus C plus O हर card के लिए. If on the other hand we read a card and while computing on that card we also read the next card and while printing the first card are computing on the second and reading the third, then the total time will be more like max ICO per card. अगर हम किसी card को read कर रहे हैं जिस वक्त हम उसे compute कर रहे हैं और साथ ही में हम next card भी read कर रहे हैं जब हम first card को print कर रहे हैं और computing कर रहे हैं second और third card की, तो टोटल टाइम होगा मोर मैक्स आईसीयू पर कार्ड. ये दिस विल रिक्वायर्ड एटलीस्ट थ्री बफर्स. इसमें तीन बफर चाहिए होंगे हमें इनपुट के लिए, वन कंप्यूटिंग के लिए चाहिए होगा और एक आउटपुट के लिए चाहिए होगा. द डेटा कैन बी मूव बिटवीन बफर्स और द बफर्स कैन बी स्वैप्ड यूजिंग इंडेक्स रजिस्टर्स ऑन इन डायरेक्शन टू पॉइंट टू द एप्रोप्रिएट बफर फॉर ईच एप्लिकेशन. डेटा को बफर्स के बीच में मूव कराया जा सकता है या बफर्स को स्वैप कराया जा सकता है इंडेक्स रजिस्टर्स की मदद से, या इन डायरेक्शन कराई जाती है पॉइंट जो पॉइंट करे एप्रोप्रिएट बफर की तरफ हर एक्टिविटी के लिए. एक एग्जांपल है इस प्रोग्राम का जो काउंट करता है नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस किसी कार्ड पे. दिस प्रोग्राम इनपुट्स अ डेक ऑफ कार्ड्स फ्रॉम द कार्ड रीडर एंड प्रिंट्स ईच कार्ड विद द नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस व्हिच अकर ऑन द कार्ड. इनपुट आउटपुट बफरिंग इज यूज्ड टू ओवरलैप द रीडिंग ऑफ द कार्ड. द काउंटिंग ऑफ ब्लैंक्स एंड द प्रिंटिंग ऑफ द आउटपुट लाइंस लीडिंग जीरोस इन द नंबर ऑफ ब्लैंक्स इज सप्रेस्ड. Computer programs are not restricted to just being of the form read a card, compute on that card, print a line of output. However, the program may read several cards before outputting anything, or may output many lines while reading nothing. Computer programs limited नहीं है, restricted नहीं है. एक ego से read card को read कर सके, compute कर सके या line of output को print कर सके. Computer cards programs बहुत सारे कार्ड्स को रीड करते हैं इससे पहले कि वो किसी चीज का आउटपुट दे, और आउटपुट देते कई सारी लाइंस का इससे पहले कुछ भी रीड करे. स्टिल वी कैन अटेम्प्ट टू ओवरलैप एनी रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट एज मच एज पॉसिबल. तब फिर भी हम किसी भी चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को ओवरलैप करने का रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट को, जिससे जितना पॉसिबल हो सके जितना ज्यादा. All the programs we have studied so far read into a buffer and output from buffer. जितने programs हमने अब तक पढ़े हैं वो buffer में ही read करते हैं और output भी buffer से देते हैं. For sequential devices such as card readers, card punches, line printers and magnetic tapes, उन sequential devices के लिए जो कि जैसे card reader हो गया, card punches हो गया, line printer हो गया, magnetic tape हो गए, हम buffering use करेंगे जो overlap करेगी हमारे input output time को computation time से. Buffering is simply reading or writing with one buffer while other processing is being done with another buffer. Buffering में क्या होता है, हम simply read करते हैं, write करते हैं एक buffer से जिस वक्त हम processing कर रहे हो दूसरे buffer से. Double buffer
buffering. In double buffering, we have two buffers for each device. For input, we take our input out of one buffer while the other is being read into by the input device. Double buffering सबसे simplest case है buffering का. इसमें हम दो buffers use करते हैं हर एक device के लिए. Input के लिए हम input देंगे एक buffer को जब दूसरा read हो रहा हो किसी input device से. और जब एक buffer empty है हम wait करेंगे जब तक दूसरा buffer fill हो जाता है. और उसके बाद में हम start करते हैं input देना next record के लिए empty buffer में जिस वक्त हम use कर रहे हो newly read को. This can be done either by moving from the one buffer into the other or merely by this can be done or merely by switching pointers for output. We place our output image in one buffer and when this is full, we begin its output. ये हम कर से इसका तरीका है करने का कि हम एक buffer से दूसरे buffer में move करें या pointer switch करें. अगर output के लिए हम क्या करेंगे, हम output image को place करेंगे एक buffer में और जब ये full हो जाता है तो हम begin करेंगे उसका output देना और immediately हम begin करेंगे कि वो उस place पे जाए जहाँ हमें new output मिल सकता है दूसरे buffer में. When this new buffer is full, we wait for the previous output to finish and then out from the newly filled buffer while our program fills the newly emptied buffer with material to be outputted. Both of these examples use the move technique. The next type की हमारी technique है blocking. Another problem which arises from direct access devices is efficient storage utilization. दूसरी problem है जो direct access devices में होती है कि efficient storage utilization नहीं हो पाता. Suppose we wish to copy a deck of cards from the card reader to the line printer. Suppose हमें deck of cards को copy करना है card reader से line printer में पीछे की तरफ backwards में. This requires storing the entire card deck in the computer until the last is read. इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हम सारे card deck को store करें कंप्यूटर में तब तक जब तक लास्ट कार्ड को रीड नहीं कर लेते और प्रिंट नहीं कर लेते एंटायर डेक को. एट 16 वर्ड्स पर कार्ड ओनली 4000 वर्ड्स ऑफ मेमोरी वी कुड यूज ओनली स्टोर 4000 पर 16 250 कार्ड्स. अगर 16 वर्ड्स है पर हर कार्ड के लिए तो 4000 वर्ड्स मेमोरी में है तो हम सिर्फ 250 कार्ड्स यूज कर सकते हैं अगर हम उन्हें स्टोर करें मेमोरी में. हाउएवर इफ वी स्टोर देम ऑन डिस्क वी कुड स्टोर अगर हम इन्हीं कार्ड्स को हम डिस्क पे स्टोर करें तो हम 4096 कार्ड्स भी स्टोर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट इसी के साथ मैं आज का लेक्चर भी रैप अप कर रही हूँ और हमारा सिलेबस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको अभी कोई क्वेरीज है तो मैं एक बार रिवीजन करा दूंगी आपको मॉक क्वेश्चन भी दूंगी. तो अभी मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि हमारे मेरी तरफ से सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू सो मच.